दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। COP14 कॉन्फ्रेंस में बोले मोदी, भारतीय संस्कृति में भूमि को माना माता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट नोएडा के एक्सपो मार्ट में चल रहे 12 दिवसीय COP14 कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि संरक्षण के मसले पर दुनिया में कई कदम उठाने को तैयार है। 16 साल के युवक ने महापरीक्षा पास कर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। प्रियवर्धन नाम के युवक ने महापरीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। इनकी इस सफलता के लिए पीएम मोदी ने रामकृष्ण शास्त्री के ट्वीट को रीट्वीट कर बधाई दी है। इस परीक्षा को तेनाली परीक्षा भी कहते हैं। इसमें भारतीय वेदों और शास्त्रों अध्ययन किया जाता है। मोदी सरकार पार्ट 2, अब अगले 100 दिन में एजेंडे में आर्थिक मोर्चा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले 100 दिन बहुत ही घटना प्रधान रहे। अब अगले 100 दिन में सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चुनौती है, तो कश्मीर में मिशन नॉर्मल पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में लगे मटके, नेताओं ने तांबे के लोटे ग्लास से पानी पिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतक के मौला ग्राउंड में रविवार को विजय संकल्प रैली की। इस रैली को इको फ्रेंडली करने का प्रयास किया गया। इस दौरान रैली के पंडाल में पानी की प्लास्टिक की बोतलें और पाउच पर पूरी तरह बैन रखा। रैली में 10,000 मटके रखे गए। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।